बुलंदशहर से दो बार विधायक रहे हाजी अलीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हाजी अलीम का शव उनके बेडरूम में मिला है। गौरतलब है कि हाजी अलीम के सिर में गोली लगी है। मौके पर पुलिस को एक 30 बोर की ऑटोमेटिक विदेशी पिस्टल भी मिली है। गौरतलब है कि हाजी अलीम वर्ष 2007 व 2012 में बसपा के टिकट पर बुलंदशहर सदर सीट से विधायक चुने गए थे। पिछला चुनाव वो भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिरोही से हार गए। पूर्व विधायक की मौत की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उनके घर पर पहुंच गया। उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में बसपाई और अन्य लोग मोहल्ला ऊपरकोट स्थित उनके आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे। फिलहाल पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर इस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मिलकर इस केस के सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रही है। ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास अंधेरे में तीर चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।